हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला मुस्लिम शासक कौन सा था जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया? पहला मुस्लिम शासक जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिन्होंने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? जिंदा पीर की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई है? औरंगजेब। जिंदे पीर की उपाधि किस मुगल सम्राट को दी गई है? औरंगजेब। औरंगजेब कौन से धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पे कैद करके रखा था? आगरा के पास, जयपुर भवन में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। मुगल बादशाह कौन सा था जिन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया, जिसको हम पिकॉक और थ्रोन बोल सकते हैं, या तख्ते हाउस। मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन या तख्ते हाउस का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? शाहजहां ने करवाया। इसका कलाकार था बे बादल खान। तख्ते हाउस का शिल्पकार था, निर्माण करने वाला था। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था जो मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन या तख्ते हाउस पर बैठा? मोहम्मद शाह। यह अंतिम मुगल सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। 1739 में किसका युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह वर्सेज नादिर शाह। कौन सा चला जाएगा? नादिर शाह। इसमें विजय कौन हुआ था? नादिर शाह। तो नादिर शाह इसको लूट के लेके गया था यहाँ पे मयूर सिंहासन को, 70 करोड़ रुपए और कोहिनूर का हीरा साथ में लेके गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। उसके बाद सल्तनत काल की बात करें यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? राजधानी बनाई लाहौर।
कहाँ पे बनाई? लाहौर में। लाहौर से दिल्ली कौन राजधानी लेके आया? इसको राजधानी को दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा शासक लेके आया? इल्तुतमिस राजधानी को लाहौर से दिल्ली लेके आया। ये सल्तनत काल के समय की बात है।